वेलकम। आज हम प्रैक्टिस सेट 12.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस था वो सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमारा बचा हुआ है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियोस में हमने यू कैन गो एंड चेक प्लेलिस्ट में हमने वीडियोस अपलोड किए हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित। राजू ने एक बाईसाइकिल अमित को सोल्ड किया है, अमित को बाईसाइकिल सोल्ड किया है राजू ने एट 8% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट रख करके 8% प्रॉफिट रख करके राजू ने अमित को बाईसाइकिल सोल्ड किया है। अमित रिपेयर इट स्पेंडिंग ₹54। अमित ने वो साइकिल रिपेयर किया ₹54 खर्च करके। देन ही सोल्ड अ बाईसाइकिल टू निखिल। फिर उसने वही बाईसाइकिल निखिल को बेच दिया है 1134 में विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेज इट, मतलब राजू ने उसको कितने में खरीदा था वो हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढना है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल फॉर विच राजू परचेज इट। तो सबसे पहले हमें ये कॉस्ट प्राइस को एक्स लेना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेज इट बी एक्स। फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड बी एक्स। ऐसे करके हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने लिख लिया है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस इट बी एक्स रुपीज। मतलब राजू ने हमें ये ढूंढना था कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस को एक्स लेना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप कैसे लिखना है, आई हैड शोन यू। तो नंबर वन स्टेप लिखने हमें आना चाहिए, तो लेट द कॉस्ट प्राइस को हमें एक्स लेना होगा। द लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस इट बी एक्स रुपीज। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स लिया है, तो देयरफॉर एंड सेलिंग प्राइस मतलब राजू ने जब सेल किया था अमित को, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल मतलब राजू ने जब उसको बेचा है तो 8% प्रॉफिट में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितना हो गया, जैसे अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उस पे 8% पे बेचा है, तो 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हमने एक्स लिया है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने में है, तो 8% प्रॉफिट पे वो बाईसाइकिल बेचा है। तो जब 8% प्रॉफिट पे बेचा है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 100 प्लस 8% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 8 कितना होता है, 108% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे बेचा है मतलब सोल्ड किया है, तो इसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो 108/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ऐसे कैसे मैंने फॉर्म किया, बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या लिया लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 8% मतलब कॉस्ट प्राइस पे 8% रख करके हमने इसको अमित को सोल्ड किया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा,
सेलिंग प्राइस यहाँ पे 8% जब हम ऐड कर देते हैं 100 को, तो ये 108 हो रहा है, तो 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 108% परसेंट मतलब अपॉन 100, तो 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या निकाल लिया है, दो इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया है, एक कॉस्ट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। ऐसे तो कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स लिया और सेलिंग प्राइस ऐसे फॉर्म होगा कॉस्ट प्राइस के बेस पे। नेक्स्ट उसके बाद में हमें आगे इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, अमित ने उस साइकिल को रिपेयर किया और उसको फर्दर जाके निखिल को सोल्ड किया, मतलब अमित ने उस पर रिपेयर में 54 रुपीज खर्च किया है। तो नेक्स्ट स्टेप वैसे ही बनेगा जो अमित ने रिपेयर के लिए पैसा खर्च किया है, एंड ऑल्सो जैसे जो गिवन कंडीशन है, एज पर गिवन कंडीशन अमित ने रिपेयर किया है, तो अमित रिपेयर्ड द साइकिल फॉर रुपीस, कितने रुपए में रिपेयर किया, 54। तो अमित ने साइकिल 54 रुपीस में रिपेयर किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन था हमने उसके बेस पर पे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखा है। यहाँ पे गिवन कंडीशन के बेस पे अमित ने रिपेयरिंग में 54 रुपीस खर्च किया है, अब वो उसे फर्दर निखिल को सोल्ड कर रहा है। तो अमित जब निखिल को सोल्ड कर रहा है तो उसने 54 रुपीस खर्च किया था, तो सेलिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल, तो कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल, निखिल ने कितने में खरीदा वो बता रहे हैं हम। तो जो भी अमित ने बेचा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेस पे बेचा है, मतलब उसने उसमें कुछ भी पैसा नहीं कमाया, बस जितने खर्च किया था उतने में उसने उसको बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल का जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन क्या है, बहुत इजी और सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस था जैसे वो हमने लिया एक्स और उसके बेस पे हमने ये इक्वेशन बनाया है। तो ये इक्वेशन में उसने प्रॉफिट रख करके बेचा था, फिर इसने 54 रुपीस खर्च किया है, तो ये दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो जैसे 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें प्लस 54 ऐसे, तो ये हमें ऐसे फॉर्म करना होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर पे उसने खर्च किया है साइकिल पे 54 रुपीस, उसको ठीक करने के लिए रिपेयर किया है और फिर उसके बाद उसको बेचा है। तो ये प्राइस में निखिल ने खरीदा है साइकिल, तो और हमें जो इसका प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, जैसे ये प्राइस में तो खरीदा है एज पर इक्वेशन, और जो कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल गिवन जो है हमारे पास वो है 1134। तो एज पर क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल 113। तो अब हमारे पास दोनों कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल है और ये भी कॉस्ट प्राइस फॉर निखिल है, तो हम दोनों को सामने सामने रख करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन बनेगा इसका 1134, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निखिल ने कितने में खरीदा वो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देन ही सोल्ड अ बाइसाइकल टू निखिल फॉर 1134, तो निखिल ने उसको 1134 में खरीदा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है निखिल के लिए 1134, और ये हमने जो इक्वेशन बनाया वो भी कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही है, तो 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 54 ऐसे। तब दोनों इक्वेशन सामने सामने आने पर हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल गया मींस वी गॉट द आंसर। ऐसे हमें
इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन बना लिया हमने, तो ये इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। तो 54 यहाँ पे प्लस 54 है, यहाँ पे आने पर माइनस 54 हो जाएगा, तो 1134 माइनस 54 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय xs। इन दिस वे यहाँ पे हम कैंसलेशन भी कर सकते हैं, टू के टेबल से भी जाता है और टेबल से हम इसको कट भी कर सकते हैं, या इसको एज इट इज रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन को सॉल्व किया है 54 को यहाँ पे जंप करके लाया तो माइनस 54 ये यहाँ पे एज इट इज है। अब उसके बाद में हमें क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x के पास में जो नंबर डिनोमिनेटर है नीचे है वो यहाँ पर ऊपर आएगा और जो यहाँ पर ऊपर है वो नीचे। पहले हम इसका आंसर निकाल के लिख लेते हैं, तो दोनों को माइनस करने पर हमें मिल रहा है 1080 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस किया तो 1080। अब हमें ये एज इट इज लिख लेना एक स्टेप में, फिर हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब ये 100 यहाँ पे आएगा तो 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 108 और यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स एस है, तो एक्स यहाँ पे रह गया, एक्स के पास जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वो यहाँ ऊपर आ गया है और जो यहाँ ऊपर था वो यहाँ नीचे आ गया है। अब कैंसलेशन करके हमें आंसर निकालना है 1081 और 1081 और ये 100। तो 1080 होता है। अब हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर एक्स का आंसर हमें मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है 1000, तो 1000 रुपीस। तो ये हमें एक्स का आंसर मिल गया, हमें एक्स मिल गया, मतलब हमने एक्स किसको लिया था, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है, एक्स मिल गया मतलब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच द राजू परचेज इज 1000 रुपीज, ऐसे हमने 1000 ली। तो फाइनल आंसर लिखना है देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच किसने परचेज किया था, सबसे स्टार्ट में राजू ने, राजू परचेस्ड परचेस इज इक्वल टू जो आंसर आया वो आंसर लिखना है 1000 रुपीज, ऐसे फाइनल आंसर ऐसे लिख लेना है। बहुत इजी और सिंपल है, कैसे किया अगर समझ में नहीं आ रहा है रिवर्स जाओ, वीडियो को फिर से देखो, पहले प्रॉपरली समझो कैसे सॉल्व हुआ है, देन यू विल गेट इट। सो हमने 8th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। इसमें वन थिंग हमेशा याद रखना है कि x किसको लेना है, हमें जो हमें पूछा था उसको हमें x लेना रहेगा, उसके बेस पे ही आगे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट अस सी द 9th क्वेश्चन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, तो हमें 1000 रुपीज आंसर मिला है, एग्जैक्टली यही आंसर हमें भी मिला है, तो हमारा आंसर राइट है। लेट अस सी द 9th वन। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन इन द सेकंड मैच, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन अ थर्ड मैच। तो यहाँ पे फर्स्ट मैच का दिया हुआ है, सेकंड मैच का दिया हुआ है और थर्ड मैच में कितना वो स्कोर करना चाहिए उसे, मतलब वो कितना स्कोर करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो थर्ड मैच में वो कितना स्कोर फाइंड करना चाहिए उसे, क्योंकि फर्स्ट मैच में उसने इतना किया है, सेकंड मैच में इतना किया, अब उसके कितना करना चाहिए वो हम कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक हिंट हमें दिया हुआ है, सो डेट द एवरेज ऑफ द रन इन द 3 मैचेस इज 230। यहाँ पे हमें एवरेज दिया हुआ है, 3 मैच का जो एवरेज दिया है 230, उसको ये एवरेज पर आना है, तो इसीलिए उसको कितना रन स्कोर करना होगा ये एवरेज बनाने के लिए तो वो हमें बताना है। तो जैसे फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच का दिया नहीं है, तो हम थर्ड मैच को एक्स लेंगे,
तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, लेट द क्रिकेटर स्कोर एक्स रन्स इन द थर्ड मैच, ऐसे करके हमें सबसे पहले एक लेट लेना होगा। लेट द क्रिकेटर शुड स्कोर इन अ थर्ड मैच बी एक्स, ऐसे करके भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप लिख लिया है, लेट द क्रिकेटर स्कोर एक्स रन्स इन द थर्ड मैच। थर्ड मैच का हमें पूछा था तो वो हमें दिया हुआ नहीं था, हमें ढूंढना था, हम तो हम इसे एक्स लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में अब इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है मतलब रन स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच। फर्स्ट मैच में उसने कितना स्कोर किया है वो, तो वो हमें 180 दिया था तो 180। फिर उसके बाद में रन स्कोर्ड इन सेकेंड मैच, जो सेकेंड मैच में उसने रन स्कोर किया था वो है 257, तो वो हमने लिख लिया है। तो जो जो इंफॉर्मेशन था वो लिख रहे, जो नहीं दिया था उसे एक्स लिया है। अब हमें एवरेज दिया हुआ है, मतलब एवरेज रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर। तो यहाँ पे एक थिंग ये होता है कि पहले तो ये तीन मैच का जो टोटल स्कोर है, तो टोटल रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर वो लिख लेते हैं, टोटल रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर। टोटल रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर मतलब जैसे ये फर्स्ट मैच सेकेंड मैच, तो फर्स्ट मैच प्लस सेकेंड मैच 257 प्लस थर्ड मैच में मालूम नहीं है तो एक्स, ऐसे। तो पहले जो हमने इंफॉर्मेशन लिखा था उसको हमने टोटल रन मतलब पूरा मिला के कितना रन वो स्कोर करेगा वो लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो है एवरेज, एवरेज रन स्कोर्ड, तो वो लिख लेते हैं एवरेज रन स्कोर्ड, एवरेज रन स्कोर्ड स्कोर्ड बाय क्रिकेटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख लेते हैं कितना दिया हुआ है हमें एवरेज रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर। देखो यहाँ पे दिया है सो दैट द एवरेज रन इन द थर्ड मैच थ्री मैच, मतलब टोटल तीनों मैच का एवरेज दिया है 230। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन थ्री मैचेस, मतलब थ्री मैचेस मतलब तीनों मैच में पूरा मिला के क्रिकेटर ने कितना रन स्कोर किया है, एवरेज उसका दिया हुआ है 257। तो 257 ये एवरेज के बेस पे लिखा है, मतलब 257 एवरेज है। तो अगर हमें थ्री मैच में एवरेज के बेस पे जाना है तो टोटल रन स्कोर्ड इन थ्री मैचेस, तो टोटल रन स्कोर्ड इन थ्री मैचेस इज इक्वल टू एवरेज को जो एवरेज दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय थ्री करना होगा, क्योंकि तीन मैच का ये एवरेज है, मतलब कम से कम उसको इतना रन तो एक मैच में स्कोर करना है। तो ये तीन मैच का एवरेज है, एवरेज मतलब होता है तीनों, जैसे हम किसी चीज का एक एवरेज निकालते हैं, जैसे एक टाइम में उसने दो समोसा खाए, एक टाइम में तीन, एक टाइम में चार, तो उसका हम एवरेज निकालते हैं, तो एक टाइम में उसे कितना खा सकता है वो नॉर्मल उसका रेंज है, तो ये बताया हुआ है एवरेज। तो ये तीनों मैच का एवरेज था, तो तीन मैच में कितना उसने स्कोर किया रहेगा ये एवरेज को हम टोटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री करना होगा। तो 257 मल्टीप्लाई बाय थ्री हमें करना है तो हमें आएगा 690। 257 हमें दिया हुआ था एवरेज, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि एवरेज हमें कितना दिया हुआ था, सॉरी हमें एवरेज 230 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 230 आना चाहिए, हमने थर्ड सेकंड स्कोर का लिख दिया है 230 एवरेज, एवरेज रन स्कोर 230 है, मतलब यहाँ पे 230 आएगा, मतलब 230 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 230 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 690 आ रहा है हमें। तो ये हमें टोटल रन मिल गया है।
तो ये हमने एवरेज के बेस पे टोटल रन निकाला, और ये हमारे पास टोटल रन जो क्रिकेटर के है वो हमने बनाया था ऊपर थर्ड मैच का, सेकंड मैच का और फर्स्ट मैच का। अब दोनों को बाजू बाजू में रख करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, बहुत इजी है। जैसे 180 180 प्लस 257 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक साइड, मतलब ये हमने टोटल निकाला था तीनों मैच का रन ऐड करके, और ये हमें एवरेज के बेस पे हमने टोटल रन निकाला है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन विल बी, ये इक्वेशन है, अब इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों नंबर्स है तो जंप करके ये साइड आ जाएंगे। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 690, 180 आ रहा है तो -180, 257 आ रहा है तो -257, ऐसे। तो यहाँ पे 690 से 180 को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको फिर 257 से माइनस करना है, या दोनों को ऐड कर लो और फिर माइनस कर लो वो भी चलेगा। तो अगर हम ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 690 और ये दोनों को ऐड किया तो हो रहा है 437, ये दोनों को ऐड कर लिया। अब इसको इससे माइनस कर लेना है तो वी विल गेट द एक्स, एक्स हमें मिल जाएगा, तो देयरफॉर एक्स का आंसर हमें मिल जाएगा माइनस करने के बाद। तो 690 माइनस 437, यहाँ पे मैं साइड में वर्किंग में माइनस कर रहा हूँ 690 माइनस 437, 0 माइनस 7 नहीं होगा, बाजू से लो, यहाँ पे 8 बज गया, यहाँ पे 1 आ गया 10, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 8 माइनस 3 5, यहाँ पे 6 माइनस 4 2, तो हमें आंसर मिल रहा है 253, तो यहाँ पे आ जाएगा 253। तो दिस विल बी अवर आंसर, तो हमें x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू कितना आ रहा है 253, x मतलब थर्ड मैच, क्योंकि हमने ऊपर स्टार्ट में लिया था लेट द स्कोर ऑफ थर्ड मैच बी एक्स रन, तो x मिल गया मतलब थर्ड मैच में उसे 253 स्कोर करना चाहिए तभी वो एवरेज रीच कर पाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर दिखना है हमें, देयरफॉर द रन ही शुड स्कोर इन अ थर्ड मैच, द रन्स ही मतलब जो क्रिकेटर है वो, द रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, थर्ड मैच मैच इज 253। बहुत इजी और सिंपल था। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो लिख लिया है हमने, और जो नहीं दिया था उसे एक्स लिया है, फिर तीनों का टोटल बनाया, फिर हमें इन्फॉर्मेशन में एवरेज दिया हुआ था 230, उसी एवरेज को हमने टोटल रन में कन्वर्ट किया, क्योंकि एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल रन हो जाएगा एवरेज के बेस पे, एवरेज के बेस पे टोटल रन आ गया। अब दोनों को बाजू बाजू में रखा, ये हमारा टोटल रन या एवरेज के बेस पे टोटल रन, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल गया मतलब थर्ड मैच में उसे इतना रन स्कोर करना है तो उसका एवरेज बैठेगा, मतलब एवरेज उसका 230 तक आएगा। इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स जाओ, वीडियो को फिर से देखो, यू विल गेट इट, एटलीस्ट जो वीक है मैथ्स में उसको 2-3 टाइम्स तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। सो अवर 10th क्वेश्चन इज, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। अब ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एजेस के ऊपर है, इन्फॉर्मेशन दिया है दो, एक सुधीर का एज दिया है और एक वीरू का। तो इसमें सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यह हमें याद रखना है, जो बाद में नाम दिया होता है उसे हमें एक्स लेना है तभी हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लेट द एज ऑफ वीरू भी एक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीरू का एज हमें ढूंढने भी बोला है, और जब भी याद रखना है ऐसे दो एज दिया रहेगा तो बाद वाले का एज हमेशा एक्स लेना है। तो लेट द एज ऑफ वीरू बी एक्स, ऐसे हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही लिखना है, लेट द एज ऑफ वीरू बी एक्स। मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख लिया है, लेट द एज ऑफ वीरू बी एक्स ईयर्स। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा हमें जो ढूंढना होता है उसे एक्स ले लिया,
उसके बाद में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया उसके बेस पे हम फ्रेम करेंगे। यहाँ पे बोला है सुधीर प्रेजेंट एज, मतलब सुधीर का जो प्रेजेंट एज है इज फाइव मोर, फाइव मोर मतलब फाइव को हमें प्लस करना है, फाइव मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ द एज ऑफ वीरू, मतलब थ्री टाइम्स ऑफ वीरू। तो कैसे इसे लिखेंगे, फाइव मोर और थ्री टाइम्स द एज ऑफ वीरू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। तो पहले हम लिख लेते हैं देयरफॉर द एज, देयरफॉर एज ऑफ, दूसरा जो पर्सन है वो कौन था, देयरफॉर द एज ऑफ सुधीर, तो सुधीर का एज है देयरफॉर, देयरफॉर एज ऑफ सुधीर, देयरफॉर एज, देयरफॉर हमें यहाँ प्रेजेंट एज लिखना होगा क्योंकि प्रेजेंट एज है, therefore present age of Sudhir is equal to, हमें क्या बोला था five more, मतलब हमें five को add करना है तो five plus, और बोला था three times of Viru's age, so three times मतलब three multiply three times of Viru, Viru मतलब x, तो three times of Viru's age, तो ये हो गया Sudhir का present age years। ऐसे हमने दो information निकाल लिए है। तो पहले हमने लेट एक्स लिया और जैसा बोला था एज पर गिवन कंडीशन, जैसे क्वेश्चन में बोला था प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर इज फाइव मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ वीरूज एज, एज मतलब यस, तो ऐसे करके दो स्टेप लिख लेना है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें अनिल के एज के बारे में बताया गया है, थर्ड पर्सन अनिल, तो अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, क्या बोला है अनिल का जो एज है वो सुधीर का हाफ है, तो वो लिख लेना है पहले, तो देयरफॉर therefore age of Anil, वैसे लिखना है therefore present age of Anil, present age of Anil मतलब अभी जो एज चल रहा है अनिल का, हमें बोला है half of Sudhir, तो ये Sudhir का है, Sudhir का half, Sudhir का आधा करना है, तो ये लिख लेते हैं five plus 3x, ये सुधीर का है उसका हाफ, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा अनिल का एज यस ऐसे। अब तीनों का एज जैसे क्वेश्चन में दिया था, एक का x लिया, दूसरा बोला था ये 5 मोर है किसको, वीरू को, और 3 टाइम्स है, तो मैंने वीरू का 5 मोर किया और 3 टाइम्स लिया एज। फिर बोला है सुधीर का हाफ कर देंगे तो हमें अनिल का एज मिल जाएगा, तो वो हमने हाफ किया, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, इन दिस वे तीन इंफॉर्मेशन मिल गया है हमें। अब इसके इसको फर्दर कैसे समझना है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे यहाँ पे बोला है वीरूज एज टू थ्री टाइम्स ऑफ अनिल्स एज इज 5:6, यहाँ पे ग्रेशियो दिया है 5:6, और बोला है वीरूज एज टू, अब यहाँ पे रेशियो बता रहा है वीरू एज का रेशियो है अनिल के एज के साथ, मतलब वीरू वीरू रेशियो अनिल ऐसे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बोला है थ्री टाइम्स मतलब यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो वीरू का एज हमने जो निकाला है वो लिखना है, फिर अनिल का एज उसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, दो जन का रेशियो है, देखो यहाँ पे वीरू और सुधीर भी है, सम मतलब सुधीर, सुधीर प्लस वीरू, द सम ऑफ सुधीर वीरू एज टू रेशियो, तो सम ऑफ सुधीर एज और वीरू एज, तो सुधीर का जो एज है वो लेना है, फिर वीरू का जो एज है वो लेना है, उसको रेशियो बनाना है, रेश टू रेशियो 3 टाइम्स द अनिल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय अनिल करना है, और उसका रेशियो बैठ रहा है इज इक्वल टू 5:6 ऐसे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब सुधीर का एज और वीरू का एज ऊपर आएगा, रेशियो बोला है अपॉन, नीचे अनिल का एज आएगा, रेशियो मतलब अपॉन होता है, तो पहले हम सुधीर और वीरू का एज लिख लेते हैं उसको अपॉन करके, कैसे लिखना है देखो, सुधीर एज और वीरू एज, वीरू एज तो ये ऊपर चाहिए, तो सुधीर का एज हमारे पास कितना है, सुधीर का एज है 5+3x, तो वो लिख लेते हैं 5+3x, और सुधीर एज
प्लस वीरू एज, तो वीरू का एज लिख लेते हैं, प्लस एक्स सुधीर एज और वीरू एज अपॉन अपॉन क्या बोला है अनिल से एज, तो अनिल का एज है, अनिल का एज लिख लेना है, तो अनिल का लिख लिया फाइव प्लस थ्री एक्स अपॉन टू, ये अनिल का एज है। अब इसको बोला है थ्री टाइम्स करना है, क्या बोला है थ्री टाइम्स, तो ये हो गया थ्री। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे ही बनाया, क्या बोल रहा है सम ऑफ, ये किसका एज था सुधीर एज, तो सम ऑफ सुधीर एज टू अनिल, तो ये सुधीर हो गया, सॉरी सुधीर और वीरू, तो सम ऑफ सुधीर और वीरू अपॉन मतलब रेश टू बोला है, रेशियो बनाना है, अपॉन किसका एज बोला है, किसका एज बोला है यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का अनिल से रेशियो बोला है, तो अनिल से, तो अनिल का आ गया नीचे, तो ये अनिल का था और बोला है वो थ्री टाइम्स है, क्या है थ्री टाइम्स, तो इधर मैंने थ्री मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, और जो दूसरा रेशियो हमको दिया हुआ है फाइव इज टू सिक्स, क्या दिया हुआ है फाइव इज टू सिक्स। इन दिस वे हमें ये इक्वेशन फॉर्म करना है, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया था, एज पर इंफॉर्मेशन ऐसे। अब हमने ये इक्वेशन बना लिया, अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है उसको हम ओपन करेंगे, मतलब ये थ्री को अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का नंबर एज इट इज लिख लेते हैं, तो फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स, ये ब्रैकेट नहीं डालना है, अपॉन और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो यहाँ पे हो गया फिफ्टीन प्लस थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पे हो गया नाइन एक्स अपॉन, और यहाँ पे थ्री टू जा कितना होता है सिक्स, थ्री टू जा जैसे सिक्स ऐसे। लेकिन हमें एक पॉइंट याद रखना है, अगर मैं इसको थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वी विल गेट रॉन्ग आंसर, ये हमें रॉन्ग मिलेगा, मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने थ्री को टू से भी मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे जो अपॉन दिया हुआ है टू, क्योंकि ये हाफ बोला था तो टू अपॉन दिया हुआ था, ये टू साइड में था वन अपॉन टू ऐसे हाफ, तो ये टू ऊपर चला जाएगा नंबर वन थिंग, तो ये टू जो यहाँ पे अपॉन आया है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये फ्रैक्शन है उसको अगर हमें ठीक करना होता है तो नीचे का नंबर जो है वो ऊपर चला जाता है, ऑपोजिट साइड पे जाकर वो मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए ये टू जो है लोअर में ये ऊपर जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा टू ब्रैकेट में, अब यहाँ पे भी दो एक्स वाले नंबर है तो ये दोनों को ऐड कर लेना है, मतलब थ्री एक्स प्लस वन एक्स, तो ये हो जाएगा फोर एक्स, तो यहाँ पे आ रहा है फाइव प्लस फोर एक्स ऐसे अपॉन, देखो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर नीचे आएगा थ्री थ्री ब्रैकेट में फाइव प्लस थ्री एक्स ऐसे। आई होप यू गॉट दिस, ये कैसे बना, तो ये हमारा राइट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था थ्री टू जा सिक्स अगर हम करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, तो थ्री को एज इट इज मैंने रहने दिया, पहले मैं ये टू को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, कैसे, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको अगर ठीक करना है तो ऑपोजिट बेस पे, जैसे ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दिस वे ये ऐसे बन जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे रेशियो हमारा फाइव इज टू फाइव अपॉन सिक्स, ये एज इट इज। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन हमारा प्रॉपरली फॉर्म हो गया है, अब इसे सॉल्व करना है और फाइनली हमें आंसर निकालना है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, टू फाइव जा टेन, टेन आ गया, और टू फोर जा एट, तो यहाँ पे आ जाएगा एट एक्स ऐसे अपॉन, यहाँ पे थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो फिफ्टीन प्लस थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइन एक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स। अब ऐसे टाइप का सम हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले प्रैक्टिस सेट में, सेम वैसे ही करना है, ये सिक्स को यहाँ पर लेके आना है और ये पूरा जो है वो यहाँ पर लेके आना है, तो ये कैसे हो जाएगा सिक्स ब्रैकेट में टेन प्लस एट एक्स, सिक्स यहाँ आ गया और ये फाइव और ये पूरा ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन प्लस नाइन एक्स ऐसे।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना और ब्रैकेट ओपन करना है, 6 10 60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6 8 48, तो 48x इज इक्वल टू 515 जा करना है, 515 जा 75 प्लस 59 जा करना है हमें, 59 जा 45, तो ये हो जाएगा 45x ऐसे। तो अभी मैंने इसको ये 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इन दिस वे ब्रैकेट ओपन हो गए। अब हमें इसे फर्दर कैसे सॉल्व करना है, नंबर एक साइड, xx एक साइड, तो यहाँ पे 45x है वो जंप करके यहाँ आ जाएगा और ये 60 जंप करके वहां जाएगा, तो यहाँ पे 48x मैं लिख रहा हूँ और ये प्लस 45 यहाँ आ रहा है और माइनस 45 हो गया, माइनस 45x। अच्छा, यहाँ पे 75 ऑलरेडी है, प्लस 60 यहाँ से जंप करके इक्वल के वो साइड जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है ऐसे। अब माइनस कर लेना है, 48 माइनस 45 तो हो जाएगा 3, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 75 माइनस 60 करना है तो हो जाएगा 15, 75 माइनस 16 15 होता है, तब यहाँ पे 3x और 15 बन गया है। अब देयरफॉर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के पास यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे। तो बहुत इजी है, 3 1 3, 3 5 15, तो देयरफॉर x का आंसर हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 5 ऐसे। 5/1 है बट 1 यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो x इज इक्वल टू 5 विल बी अवर आंसर। तो हमें x मिल गया मतलब वीरू का एज मिल गया जो हमें ढूंढने बोला था, तो फाइनली देयरफॉर वीरूस एज इज 5 years। इन दिस वे वी हैव टू राइट अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बताया है, जहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, ये 3 को मल्टीप्लाई करना रहता है तो वो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से रॉन्ग होता है, तो पहले ही हमें 2 को ऊपर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जा करके मल्टीप्लाई होगा, तो वो इक्वेशन ऐसे फॉर्म होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवर्स जाओ, फिर से देखो, एटलीस्ट 2-3 times देखो, थोड़ा सा टफ है बट यू विल गेट इट के कैसे सॉल्व किया, 2-3 बार देखने से समझ में आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस के कैसे हमने वीरू का एज फाइंड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है, हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इस वीडियो में किया है, इसके पहले क्वेश्चंस हमने दूसरे प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, टेक केयर।